हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। मोबाइल को क्या हुआ, पापा को क्या हुआ, पंखा को क्या हुआ, तुम्हारे बाइक को क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए हो, बाइक कहाँ है। हे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए, तो देर किस बात की है, आइए हम लोग सीख लेते हैं फटाफट। हे गाइज, इफ़ यू आर न्यू हेयर, If you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe it and click the bell icon so that you'll get my every notification on time. By the way, बात करते हैं हम लोग पहले structure की। Well, क्या हुआ, इसके लिए हम लोग phrase use करते हैं what's wrong with, what's wrong with। उसके बाद उस noun को write कर देंगे या pronoun, जो भी other word बचेगा last में इसको write कर देंगे। आइए sentence देखते हैं ताकि आपको structure और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। Well, आज का पहला sentence है, मोबाइल को क्या हुआ, मोबाइल को क्या हुआ, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। व्हाट्स रॉन्ग विथ मोबाइल, व्हाट्स रॉन्ग विथ मोबाइल, व्हाट इज को शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ डैड, व्हाट्स रॉन्ग विथ डैड, या व्हाट्स रॉन्ग विथ फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, पंखा को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ फैन, व्हाट्स रॉन्ग विथ फैन, द फैन भी कर सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे बाइक को क्या हुआ, What's wrong with your bike? What's wrong with your bike? हे दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, अगर कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।